जब हम ऑनलाइन क्लासेस लेते हैं सिर्फ लेक्चर देना हमारा काम नहीं होता है, वी हैव टू टेक आवर अटेंडेंस ऑल्सो। रोज़ रोज़ हमें लिंक भी सेंड करना होता है। इसके अलावा यदि हम 40-50 स्टूडेंट्स की क्लास कंडक्ट कर रहे हैं तो मेंटेनिंग द डिसिप्लिन इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। जब हम ऑफलाइन क्लासेस लेते हैं वी कैन टैकल दीज इशूज़ वेरी इजिली, पर ऑनलाइन क्लास में ये चीज़ें कंट्रोल करना इट्स क्वाइट अ टास्क। क्या कोई ऐसा ऑप्शन है जहाँ पर ये सारी चीज़ों को हम ऑटोमेट कर सकें? Do we have any option in which the teacher has 100% control over the discipline of the class? Hello everyone, this is Nidhi and I welcome you to my channel. आज के इस वीडियो में I'm going to share with you an amazing AI-powered platform, Edvi, which is very simple to use, easy to understand and is available free of cost. यहाँ पर आपको सिर्फ अपनी टीचिंग पर फोकस करना है और जो क्लासरूम मैनेजमेंट का काम है that is taken care by Edvi. You can use Edvi on both Android as well as laptop. जानना चाहते हैं ये कैसे काम करता है? Let me take you to my computer screen. सबसे पहले you have to register yourself as a teacher. Then you are going to proceed with Google sign up. आप चाहे तो यहाँ पर अपना account भी create कर सकते हैं and then go through the verification process. इसके बाद आपको batch create करना होगा and you can create multiple batches over here by filling up the necessary details and then जो class timings हैं और जिन days में आप class लेंगे वो आप यहाँ से schedule करेंगे and you can set the timings according to different days as well. Now your batch is created और इसके बाद एक unique batch code यहाँ पर create होगा जिसे आप share करेंगे with your students और फिर वो आपको joining request send कर सकते हैं which you can later on approve and allow them in your batch. स्टूडेंट्स कैसे ज्वाइन कर सकते हैं उन्हें भी यहाँ पर रजिस्टर करना होगा एज अ स्टूडेंट। इसके बाद दे कैन आइदर फिल अप द डिटेल्स एंड प्रोसीड दिस वे या फिर दे कैन गो अहेड विद द गूगल साइन अप। इन बोथ द केसेस फॉर टीचर एज वेल एज स्टूडेंट जो गूगल साइन अप होगा दैट विल बी क्विक एंड ईजी। स्टूडेंट डैशबोर्ड पर जाकर यहाँ पर ज्वाइन बैच पर क्लिक करेंगे और जो बैच कोड है उसको यहाँ पर एंटर करना है एंड रिक्वेस्ट बैच डिटेल्स and then they are going to verify is it the same batch जिसमें वो enroll करना चाहते हैं and then after verification they are going to click on join batch. अब ये जो request है it has been sent to the teacher. Let's go to the teacher dashboard, show batch details, let's select this one और यहाँ पर manage students पर आप जब click करेंगे under pending request you will find student request. जिन students को आप batch में allow करना चाहते हैं उन्हें आप यहाँ से approve करेंगे। इन केस आप यदि किसी स्टूडेंट को यहाँ से रिजेक्ट करना चाहते हैं, यू डू नॉट वांट द स्टूडेंट टू एंटर योर बैच, तो यू कैन गो ओवर हियर ऑल्सो। और जो एक्टिव स्टूडेंट्स हैं इफ़ यू डू नॉट वांट टू ऐड देम ओवर हियर यू कैन ऑल्सो रिजेक्ट देम। और यदि एक्सीडेंटली आपने किसी स्टूडेंट को रिमूव कर दिया बैच से यू कैन जस्ट टाइप देयर नेम ओवर हियर, सर्च फॉर देम और फिर आप दोबारा से उनको एक्सेप्ट कर सकते हैं। बार बार आपको क्लास का जो लिंक है वो शेयर नहीं करना है विथ योर स्टूडेंट्स। एक बार आपको ये रजिस्ट्रेशन प्रोसेस करना है, क्रिएट अ बैच कोड और वो आप शेयर करेंगे। स्टूडेंट्स ऑटोमेटिकली विल नो क्लास कब होगा, व्हाट इज गोइंग टू बी द टाइमिंग। स्टूडेंट डैशबोर्ड पर ये सारा इन्फॉर्मेशन यहाँ पर गिवन होगा। लेट मी टेक यू ओवर हियर, दिस इज द स्टूडेंट डैशबोर्ड और यहाँ पर लेट्स रिफ्रेश दिस वन। यहाँ पर व्हेन दे आर गोइंग टू क्लिक ऑन शो बैच डिटेल नेक्स्ट क्लास के अंडर दे विल नो व्हेन इज देयर नेक्स्ट क्लास और किस टाइम पर उनका क्लास होने वाला है। So you do not have to share the link and other details again and again. This is just a one-time process. इसके अलावा यदि हम बात करें तो attendance का, this is going to be an automated process. The platform will automatically share the attendance report with the teacher जैसे ही class आपका over होगा. Next comes the notes. You can share your notes, class notes with the students over here. Next comes the notice board. कोई भी नोटिस आपको शेयर करना है, सपोज यू आर गोइंग टू हैव सम टेस्ट और मे बी असाइनमेंट, किसी भी चीज़ कोई भी इन्फॉर्मेशन आप शेयर करना चाहते हैं स्टूडेंट्स से, यू कैन डू इट फ्रॉम ओवर हियर। मैनेज स्टूडेंट्स हमने ऑलरेडी देखा हुआ है। क्लास टाइमिंग्स एक बार आपने यहाँ पर सेट कर दिया है। इफ़ यू वांट टू चेंज देम आप एडिट पर जाकर ईजिली इनको चेंज कर सकते हैं। अब जब आपको क्लास स्टार्ट करना है टीचर डैशबोर्ड पर आप जाएंगे एंड यू हैव टू क्लिक ऑन स्टार्ट क्लास, ज्वाइन विथ ऑडियो एंड वीडियो एंड देन यू कैन कंटिन्यू। यहाँ से आप स्टूडेंट्स के माइक और कैमरे को कंट्रोल कर सकते हैं। इफ यू टर्न दिस ऑफ कोई भी स्टूडेंट अपना माइक या कैमरा ऑन नहीं कर पाएगा। दिस इज हेल्पफुल व्हेन वी डू नॉट वांट एनी डिस्टर्बेंस ड्यूरिंग द क्लास। अब यहाँ पर हम दो विंडोज लेंगे, ऊपर है आपका teacher window, that is the teacher screen, और नीचे हमारा student screen. When the teacher has started the class, यदि students को join करना है, they are going to click on this join class option on the student dashboard. अब पहली चीज़, यदि teacher को अपनी screen share करना है, they will go on present screen और जो भी screen पर visible होगा, that will be shared with the students. Another thing, यदि उनको कुछ लिखकर explain करके बताना है, they are going to select this option of Edvi board. और इसके बाद जो whiteboard वाला window है, उसको हमें यहाँ से select करके share करना है. Now you can see जो student screen है, उसमें भी ये जो whiteboard है, that is being visible. Now when the teacher is taking the class, हो सकता है student को कोई doubt हो जो उन्हें clear करना हो at the same time. तो नीचे जो student screen है, उसमें सबसे right में second last option है ask a doubt. They are going to select this one, ask a doubt yes. और फिर टीचर स्क्रीन पर यू विल सी दिस रेड डॉट और यहाँ पर टीचर इसे सेलेक्ट करेंगे. दे विल एक्सेप्ट द डाउट. वंस दे एक्सेप्ट ओनली देन द स्टूडेंट विल बी एबल टू आस्क द डाउट. और जैसे ही एक्सेप्टेंस दिया गया है तो यहाँ पर टीचर हैज़ गिवन ऑडियो एक्सेस. तो यहाँ पर स्टूडेंट को ये एक्सेप्ट करना होगा जिससे कि वो अपना माइक टर्न ऑन करके अपना डाउट पूछ सकें. और वंस द डाउट इज़ क्लियर टीचर यहाँ से मार्क करेगा मार्क रिजॉल्व एंड देन दिस विंडो इज़ close. So this is how teacher can take up the doubts of students. इसके अलावा there is a chat section also. यहाँ पर भी students जाके अपने doubts को पूछ सकते हैं. In case यदि किसी student का doubt clear नहीं हुआ है, before the teacher ends the class, उनको notification मिलेगा so that they can clear the remaining doubts also. Another very interesting feature about Edvi is the quick poll. सपोज़ वी आर एक्सप्लेनिंग अ टॉपिक. हमको पूछना है क्या स्टूडेंट्स को ये टॉपिक समझ में आया, ये पॉइंट जो हम एक्सप्लेन कर रहे हैं इज़ इट क्लियर टू ईच एंड एवरी स्टूडेंट, येस और नो. तो उसके लिए वी विल स्टार्ट अ क्विक पोल और फिर यहाँ पर जो हमने स्टेटमेंट दिया है स्टूडेंट कैन क्लिक ऑन वेदर येस और नो. एंड वंस दिस इज़ डन यहाँ पर यू कैन सी द रिस्पॉन्स. जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनका जो रिस्पॉन्स होगा, if maximum is yes we can go ahead with this one. यदि no है तो you can just repeat the topic. तो इस तरह से we will get a clear idea कि जो चीज़ हम बता रहे हैं at the same time we can take a quick poll also कि जो हम बता रहे हैं is it clear to each and every student or not. On the left side of the whiteboard you get certain options जहाँ पर आपको annotation tools मिल जाएंगे. This is your pen option and you can select the size and color accordingly. यदि हमें shape select करना है, suppose we want to select a line or arrow, तो यहाँ पर this is how we are going to create it. You can also change the size, change the color depending on this. और ऊपर आता है आपका move option. If you want to move it from one place to another, you can do like this. और ये जो आपका whiteboard है, you can also move this whiteboard accordingly. जैसे कि यदि आपको कुछ ऊपर वाला content share करना है, show करना है, तो you can just drag it this way. Then comes your pointer option. ये है आपका pointer. This is your select tool. Then this is your text option and this is your text formula, eraser. So these are the different options that you can use over here. Now suppose on this whiteboard only, यदि आपको कोई point समझाने के लिए किसी image का use करना है तो वो आप यहाँ से import कर सकते हैं. But make sure जो image आप use करें it should be from your system and it should not be subject to copyright. इसी के नीचे आता है option import PDF का. यदि आपको कोई बुक का पीडीएफ खोलना है या कोई भी नॉर्मल पीडीएफ खोल के एक्सप्लेन करना है या फिर उस पीडीएफ के ऊपर ही आपको कुछ लिखकर बताना है तो वो आप यहाँ से करेंगे. यू आर गोइंग टू क्लिक ऑन इम्पोर्ट पीडीएफ, सिलेक्ट द पीडीएफ, ओपन इट अप और यहाँ पर जो मल्टीपल पेजेस होंगे पीडीएफ के उसमें से जो एक कोई पर्टिकुलर पेज आप सिलेक्ट करना चाहते हैं यू हैव टू सिलेक्ट दैट वन, क्लिक ऑन नेक्स्ट. इसके बाद आपको एनोटेशन के लिए एरिया सेलेक्ट करना है. तीन साइजेस अवेलेबल हैं यहाँ पर, स्मॉल, मीडियम, लार्ज. आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं. इसके अलावा जो एनोटेशन एरिया है कहाँ पर आप स्पेस छोड़ना चाहते हैं कुछ लिखने के लिए, इज इट ऑन द लेफ्ट और राइट और टॉप और बॉटम, यू कैन सी. तो सपोज हमने ये वाला सिलेक्ट किया, लेट्स क्लिक ऑन क्रिएट. नाउ यू कैन सी जो हमारा पीडीएफ है दैट इज ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द स्क्रीन. पीडीएफ पर आप चाहें तो यहाँ पर कोई चीज़ यदि हाईलाइट करना है तो वो आप करके बता सकते हैं. यदि आपको कुछ लिखना है तो राइट साइड में आपके पास स्पेस है, यू कैन राइट ओवर हियर. इसके अलावा जो पीडीएफ है इसका यदि आपको साइज इंक्रीज करना है यू कैन डू दैट एज वेल. जैसे कि यदि कोई एक पॉइंट है जो आप क्लियरली एक्सप्लेन करना चाहते हैं यू कैन ऑलवेज इंक्रीज एंड हाईलाइट दैट वन. और यदि आपको यहाँ पर और पेजेस ऐड अप करने हैं, यू हैव टू सिलेक्ट दिस ऑप्शन ऑफ पेजेस एंड क्लिक ऑन ऐड पेज, और इस तरह से यू कैन ऐड एज मेनी पेजेस एज यू want to. You can also copy them or delete them as you like. Now you have started a class, और हो सकता है क्लास के बीच में कुछ स्टूडेंट्स हैं, they are disturbing the rest of the class, और हो सकता है अपने क्लास शुरू होने के पहले जो स्टूडेंट्स का माइक और कैमरा ऑप्शन है उसको इनेबल कर दिया है और अब आप उसको डिसेबल करना चाहते हैं. देन यू हैव टू गो टू दिस ऑप्शन ऑफ सेटिंग्स. स्क्रीन के सबसे राइट हैंड साइड कॉर्नर में आपको ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पर अलाउ स्टूडेंट्स टू मैनेज माइक एंड कैमरा. तो कभी भी आप यहाँ से ये जो ऑप्शन है स्टूडेंट्स अपना माइक और कैमरा ऑन करें या ना करें, इट्स अप टू यू, ये आप चाहें तो इनेबल या डिसेबल कर सकते हैं. तो यहाँ से भी आप इन चीज़ों को कंट्रोल कर सकते हैं. अनदर इंटरेस्टिंग थिंग अबाउट दिस इज जो आपके इंटरनेट की बैंडविड्थ होगी, एडवी इज गोइंग टू एडजस्ट एंड अडेप्ट अकॉर्डिंग टू दैट. During your online class, यहाँ पर on the left side of your screen, bottom left side of your screen, this is your internet connectivity indicator. यहाँ से आप देख सकते हैं how is the network speed and what is the connectivity. Now after the class is over, you want to check the attendance. तो यहाँ पर हम जाएंगे show batch details में. On the left side, you will go to attendance और यहाँ पर जितने भी students होंगे you can see their attendance from over here. तो जो अटेंडेंस का प्रोसेस है दिस इज ऑटोमेटेड एंड यू डू नॉट हैव टू वेस्ट योर टाइम ड्यूरिंग योर क्लास. मेरे हिसाब से एडवी इज़ वन ऑफ द बेस्ट प्लेटफॉर्म्स टू टेक योर ऑनलाइन क्लासेस. एजुकेशन सेंट्रिक प्लेटफॉर्म होने के कारण एडवी आपको एक परफेक्ट क्लासरूम एनवायरनमेंट रिक्रिएट करने में मदद करता है. ऑल द फीचर्स आर सो डिजाइन सो एज टू इन्हांस द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस. अटेंडेंस ऑटोमेटेड है, टीचर्स के पास 100% कंट्रोल है ओवर द डिसिप्लिन ऑफ द क्लास विच इज़ वेरी मच नीडेड ड्यूरिंग और ऑनलाइन सेशंस. ओवरऑल देखा जाए तो समझना बहुत आसान है, कोई भी बहुत ही आराम से इसे यूज़ कर सकता है. वन स्टॉप सोल्यूशन फॉर ऑल योर टीचिंग नीड्स. आई वुड से गो फॉर इट. वेल दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो.